नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन हाजिरी का विरोध लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों का कड़ा विरोध होता देख स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। अब इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाएगा, ये बात की बात है। फिलहाल इस मामले में आम जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी की इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शिक्षकों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। ऐसे में शिक्षक सड़कों पर उतर चुके हैं। ऐसे में वहां पहुंचे हैं जनता के बीच जानने के लिए ऑनलाइन हाजिरी को लेकर उनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? अमोद मिश्रा। क्या करते हैं आप? मैं बैंक मैनेजर हूं। सर, अभी आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक है वो विरोध कर रहे हैं ऑनलाइन हाजिरी का, आपका इस बारे में क्या कहना है? मैम, हम लोग भी देखिए गवर्नमेंट की सेवा में ही है, बैंक्स में ऑनलाइन हाजिरी बहुत टाइम से है, तो ये तो सारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए। जो भी काम कर रहा है टाइम से आए टाइम से जाए, तो शिक्षक ही क्यों, हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इसमें कोई विरोध की बात तो मुझे नहीं दिखती। शिक्षक, आपने अभी ये सुना भी होगा कि शिक्षक हाथ में काली पट्टी बांध करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो विरोध जता रहे हैं इसका, तो जनता क्या सोचती है इस चीज़ के बारे में? मैम, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का तो हमेशा से स्वागत रहा है, तो ये बढ़िया है, विरोध करने का शांतिपूर्ण तरीका है, काम भी उनका चल रहा है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, तो ठीक है, ऐसा चले, कोई दिक्कत नहीं है मैम इसमें हम लोग को। अभी सरकारी स्कूलों की कैसी हालत है यहाँ प्रदेश में? मैम, कुछ जगह तो अच्छा काम हो रहा है, कुछ जगह अच्छा काम नहीं हो रहा है, मिला जुला काम हो रहा है ये, लेकिन हाँ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से मुझे लगता है सख्ती आएगी तो और सुधार होगा, और भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, सिर्फ अटेंडेंस पे काम जोड़ देने से क्या होगा, बहुत सी चीज़ें हैं। किस तरीके का काम की सरकार में, मतलब जो स्कूल हैं सरकारी स्कूल हैं, किस तरीके का काम होना चाहिए वहाँ पर? मैम, सब गवर्नमेंट के सारे जो एम्प्लॉयज, अगर वो ये जो टीचर्स हैं इन्हीं के बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में जाने लगे तो अपने आप चीज़ें सुधरने लगेगी। एक मैंडेटरी कर दें कि हर गवर्नमेंट ऑफिशियल का बच्चा जाएगा प्राइमरी स्कूल में, चीज़ें अपने आप सुधरने लगेंगी। देखिए क्या करती है गवर्नमेंट, हमारी बात कहाँ सुन रही है कोई। सर, आपका क्या कहना है इस विषय में? जो सर ने बोला है वो एकदम डेफिनेटली सही बोला है कि यदि कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट के जो टीचर हैं या इम्प्लॉई हैं उनके भी बच्चे यदि गवर्नमेंट कॉलेज में या स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली जितनी भी ये चीज़ें हैं धीरे धीरे सुधार होंगी, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के जो सेक्टर के जो ऑफिसर हैं उनके बच्चे तो प्राइवेट में ही पढ़ते हैं, गवर्नमेंट में तो पढ़ते नहीं हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें सरकार यदि कुछ करे तो बेहतर होगा कि उनके भी बच्चे जाके यदि पढ़ने स्टार्ट करें तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो थोड़ा कम होगा और जो चीज़ें हैं वो अपने आप सुधर जाएंगी। सर, शिक्षकों का ऐसा कहना है कि कहीं इलाकों में, दूर दराज गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी होती नहीं है, तो उसी वक्त या 8 बजे का उन्होंने टाइम किया है, तो अगर वहाँ पे वो टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे तो अपनी अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या, पहले तो सरकार को ये व्यवस्था तो करना पड़ेगा कि जो टीचर जो बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं बोल रहे हैं कि दूर दराजों में इंटरनेट सर्विस नहीं है और यदि वो अटेंडेंस अपनी नहीं दे पाएंगे तो गवर्नमेंट उनको अब्सेंट कर देगी, उनकी सैलरी काटेगी, इसके लिए वो रोड पे आ रहे हैं ना, तो पहले या तो व्यवस्था को पहले सुधारें और वो सुधारने के बाद में ऑनलाइन का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करें। इसी विषय पर हमारे साथ और लोग जुड़ गए हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इस विषय में क्या कहना है। सर, ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शिक्षक विरोध जता रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, इसके पहले आप जानती हैं और पूरा देश जानता है कि इसके पहले जो शिक्षक थे वह 12 बजे आते थे, 1 बजे आते थे, कोई पूछने वाला नहीं था उनको, और 80,000-75,000 साढ़े तनख्वाह लेते थे, तो आप बताइए जो 60,000-70,000 चाहिए तनख्वाह लेता है तो जो उसकी जिम्मेवारी उसको करना चाहिए ना, बच्चों को पढ़ाना चाहिए ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो टीचर हुए हैं, इतनी तनख्वाह लेते हैं सरकार से, तो सरकार का कदम सराहनीय कदम है, सरकार को बहुत बहुत बधाई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम इतना तो है कि जब भी शिक्षक चाहें 2 बजे 12 बजे आवे, ऐसा कुछ नहीं होगा, वह समय जो उनका बधा हुआ उस समय से आएंगे और जाते समय भी वो हाजिर दे के ही जाएंगे, ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है।
सर, ऐसे में कई बार शिक्षक जो कहते नज़र आते हैं कि अभी जैसे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, काफ़ी जगह दूर दराज गाँव में कहीं शिक्षक वक्त से नहीं पहुंच पाते हैं, अगर वो वक्त से नहीं पहुंच पाएंगे तो उनकी अपसेंट चढ़ जाएगी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह कहीं परेशानी में है तो पूरा प्रशासन उसको संज्ञान में लिया हुआ है। कहीं बाढ़ का क्षेत्र है तो उस बाढ़ का क्षेत्र कोई उनके लिए अकेले नहीं है, वो पूरा प्रशासन जिला अधिकारी से लेकर के BSS से लेकर के सारे अधिकारियों के संज्ञान बात है। वहाँ के लिए वो खुद छुट्टी कर दे रहे हैं, जहाँ बाढ़ है वहाँ छुट्टी है, तो सबके संज्ञान में है। यह तो एक बहाना की बात है ना कि बाढ़ है इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हमारी हाजिरी न लगाई जाए, एक बहाना है। काम चोरों के लिए बहाना है, ये काम चोरी करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं, ये मेरा कहना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है शिक्षकों के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की राय है आप? सरकार ये सबसे बेटर जो है कदम जो है उठाई है, जो है इसलिए कि हमारे जो देश के जो है भविष्य हैं, जो बच्चे हैं उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात जो है किया जा रहा था हमारे टीचरों द्वारा, जो है समय से जो है विद्यालय पर नहीं कभी हाजिरी लगती थी, कभी 2 बजे पहुँचे थे, 12 बजे या तो 10 बजे पहुँच कर हाजिरी लगाने के बाद आधी घंटा 1 घंटा के बाद जो है विद्यालय से लोग जो है गायब हो जाते थे। लेकिन आज के डेट में जो है ये सरकार जो है सबसे जो है बेटर जो है काम जो है की है कि कम से कम जो है इन लोगों की जो है ऑनलाइन हाजिरी दोनों टाइम जो है, अपनी दायित्व से ये लोग भटक रहे हैं। आज जो है युवाओं जो है रोजगार के लिए जो है नौकरी के लिए दर दर जो है ठोकर जो है खा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को 80,000 90,000 एक एक लोग हैं जो है पुराने जो है टीचर हैं कि उनको 1,10,000 15,000 जो है वेतन मिला है। अपने दायित्व से आप जो है सोचिए कि जिनको 1,10,000 वेतन मिला है और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप उन बच्चों के साथ जो है उनके भविष्य के साथ आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही निंदी जो है इसका हम जो है हमेशा जो है विरोध करेंगे और एकदम जो है ये सरकार को ये जो है कहेंगे कि सबसे जो है हम जो किए हैं ऑनलाइन जो है इन लोगों की जो है हाजिरी कम से कम जो है उन बच्चों की भविष्य जो है उज्ज्वल हो, ये हमारी जो है कामना है। ऑनलाइन हाजिरी का सर काफ़ी जो शिक्षक हैं यहाँ पे सरकारी शिक्षक वो विरोध जता रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सही जगह है, जगाना भी चाहिए, वो कहाँ कर पाएगा, उनको बच्चों का खाना रखा नहीं, राशन भी ले जाना है, कपड़े भी सिलवाना है और सारे सिस्टम भी देखना है, गणना भी कराना है, पोलियो ड्राप भी पिलाना है, तो उनको सिर्फ पढ़ाने को दीजिए ना, बस ये काम अपना बटोर ले, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, टीचर का थोड़ी बनती है। सरकार ने जो ये ऑनलाइन अटेंडेंस की जो बात कही है, जो ये करना जा रही है, तो ये चीज़ सही है आपके हिसाब से? नहीं, गलत। क्या करना चाहिए इसके सुधार के लिए या आगे लिए उनके एक चपरासी दें, बाकी काम उनसे कराओ, फिर ट्रेन कराओ, पढ़ाओ बच्चों को, उनको सिर्फ पढ़ाने का काम दीजिए ना, बाकी काम उनको हटा लीजिए, जो भी जूनियर का चाहे प्राइमरी का टीचर हैं उनसे काम हटा लेना चाहिए, उनको सिर्फ पढ़ाने के बच्चों को जिम्मेदारी दीजिए, वो बच्चों पढ़ाएंगे, समय से आओ समय से जाओ। सर, पढ़ाने के अलावा, पढ़ाने स्कूल में जो टीचर आते हैं उनकी जिम्मेदारी तो पढ़ाने की होती है, पढ़ाने के अलावा और क्या कार्य? सरकार और काम लेती है ना। कैसा काम लेती है सर? खाना बनवाना है, चेक करवाना है, फिर GIC आना है, फिर वहाँ करना है, फिर जाते गणना करा रहे हैं, जो पोलियो पिला रहे हैं, ठीक ना, सारे काम भी तो है, राशन भी उठा के ले आना है, तो कब पढ़ाएगा टीचर? कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके की बात वो अगर रखे तो केवल स्कूल में केवल शिक्षक पढ़ाए, मालूम कि चला गया किसी काम से बुला लिए तो शाम का कहाँ हाजिरी करने आएगा, उनको 7 बजे गया वहीं हाजिरी करना, 5 बजे जाने का, तो उसके लिए दिक्कत तो है। जो शिक्षक विरोध जता रहे हैं, अभी सरकार ने 2 महीने के लिए ये चीज़ स्थगित कर ली है कि 2 महीने के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा, जितना जिस तरीके का यहाँ पे शिक्षकों पे आक्रोश दिख रहा था, तो इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो सरकार की राजनीति है, कुटिल राजनीति, और शिक्षकों का जहाँ अटेंडेंस का मामला है तो आप उनसे और भी जो मिसलेनियस टाइप ऑफ वर्क कराते हैं वो क्यों कराते हो? खाना बनवा रहे हो तो मास्टर साहब सब्जी लेने जा रहे हैं, फिर सब्जी लेके जब लौटेंगे वो कितने टाइम बच्चों को पढ़ाएंगे? टाइम से तो आ जाए जब उनको दूसरे काम ना दीजिए आप, उन पर आप कभी कोई BSA जाता है
जांच करने के लिए कि कौन अधिकारी कहां पढ़ा रहा, आधी बिल्डिंग टूटी पड़ी है, हजारों की संख्या में बीएसए जो प्राइमरी शिक्षक स्कूल हैं वो बंद हो गए हैं, और कितने 4 लाख शिक्षकों टीचर्स के पद खाली पड़े हैं, उसमें सरकार का कोई ध्यान नहीं। उसमें सरकार क्यों नहीं बोलती कि आज ये निर्णय लिया है 2 लाख आज भर्ती करेंगे और 4 महीने बाद 2 लाख। सरकार जो रचनात्मक कार्य वो तो करती नहीं, केवल जनमानस में हिंदू मुसलमान और आदमी को आदमी से कैसे लड़ाया जाए यही काम करते हैं योगी सरकार, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। सर, 2 महीने बाद जब इस चीज़ का, जब सरकार 2 महीने बाद इसका फैसला लेगी कि ऑनलाइन हाजिरी होगी नहीं होगी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन हाजिरी तो होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए, ऐसे हैं जो मेहनत करने वाले टीचर हैं वो तो समय से पहुंच जाते हैं, जो हाई कास्ट के या जो पावरफुल हैं राजनीति में पावर रखते हैं, वैसे भी अपनी पावर रखते हैं, वो कहाँ जाते हैं, उनके लिए चाहे ऑनलाइन कर लो चाहे ऑफलाइन कर लो, वो तो अपने घर रहते हैं। और हाजिरी भी लगाने से क्या होगा उनकी, सी ऑनलाइन जाके हाजिरी लगाएंगे फिर अपने घर लौटेंगे, वो तो पढ़ाते ही ना हैं। जैसे अभी शिक्षकों का कहना ये भी है कि जैसे अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, कहीं जगहों पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो समय से वहाँ पे जो सरकार ने टाइम दिया गया है उसके हिसाब से वो अपनी हाजिरी नहीं लगा पाएंगे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो सही बात है, बाढ़ में कौन जाएगा, बच्चे भी परेशान रहेंगे, टीचर भी परेशान है, उसमें तो सभी परेशान हैं, बच्चे के पेरेंट्स भी परेशान रहेंगे, बच्चे थोड़ी अभिभावक थोड़ी भेज देंगे बच्चे को पढ़ने के लिए कि भाई हम बारिश में भेज रहे हैं बच्चों को या बाढ़ में डूब जाए या कुछ भी हो जाए, कोई भी नहीं भेजेगा, टीचर खुद भी नहीं जाएंगे, वो तो निर्णय सही है। लगातार शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है, तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, तो इनसे जानते हैं कि किस तरीके का, जिस तरीके से शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो आपका इसमें क्या कहना है? जहाँ तक देखा जाए शिक्षकों का मानना है, उनकी जो चीज़ें हैं वो जिस तरीके से वो अभी तक प्रदर्शन कर रहे हैं उनके हिसाब से, या हम लोग जज नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षकों के हिसाब से जिस तरीके से वो धरना कर रहे हैं ये गलत है। जो उनका ऑनलाइन हाजिरी का मैटर है ये भी, इस इतना इंडिया ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, हाँ ठीक है डेवलपिंग कंट्री है, धीरे धीरे होगा, तो उसके लिए आपको शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से करेंगे, कैसे होगा। अभी ये सरकार ने एकदम से अप्लाई कर दिया तो टीचर इसमें समझ नहीं पाए कि करना क्या है, हालाँकि हो भी सकता है कि वो सही भी हो, बट टीचर नहीं समझ पाए, इसलिए अभी आपको टीचर को भी ट्रेनिंग देनी है, तो जब वो सीख जाएगा वो ऑनलाइन हाजिरी देने लगेगा, अटेंडेंस करवाएगा, वो बच्चों को करवाएगा, तब जब टीचर समझ जाएगा उसके बाद ये लाइएगा, अभी ये गलत है, पहले टीचर को मतलब आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसके बाद लाइए, मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है वो अभी इतनी जल्दी लागू नहीं करना चाहिए। आपका कहना है कि अभी उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं, तो जिस तरीके से लाइक उनका ये मानना है कि उनकी जो पहली मांगे हैं पहले वो पूरी की जाए उसके बाद इस विषय पे काम किया जाए, अभी 2 महीने के लिए ये स्थगित कर दिया है क्योंकि इतना प्रदर्शन इनका बढ़ चुका है, 2 महीने के लिए अभी ये जो है अभी स्थगित कर दिया गया है, 2 महीने के बाद सरकार इस चीज़ के बारे में फैसला लेगी कि क्या करना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे, 2 महीने के अंदर अंदर क्या चीज़ें हो जाएंगी? शायद सरकार सुधार करेगी, 2 महीने के अंदर वो अपने उच्च अधिकारी जो हैं उनको आदेश देगी कि टीचरों को ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग मुहैया कराई जाए, और जब टीचर ट्रेंड हो जाएंगे तो अपने आप सब सही हो जाएगा। वैसे जहाँ तक देखा जाए अभी सरकार को इतना जल्दी नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि आप कोई भी जब चीज़ लागू करते हैं तो आपको जिनके ऊपर लागू करना है, जिन टीचरों के ऊपर लाना है, आपको कुछ शिक्षकों से मिलना चाहिए था, उनको बिठाकर आपको बताना चाहिए था कि ये हमारी नई प्रक्रिया रहेगी, ऐसे होगा, तो उनके भी सुझाव रखने चाहिए। हालांकि आप तानाशाही नहीं कर सकते कि अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप कर देंगे, उस पर विचार देखिए टीचरों के क्या विचार हैं, बच्चों के क्या विचार हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उस हिसाब से। तो देखा आपने जनता की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर जो शिक्षक विरोध कर रहे हैं उसके बारे में क्या राय है, आने वाले 2 महीने में ही पता चलेगा कि सरकार इस बारे में क्या कदम लेगी। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही, मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। तो देखा आपने जनता ने शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में क्या राय दी, और अब देखना ये होगा कि योगी सरकार द्वारा शिक्षा विभाग की कमेटी का गठन कर 2 महीने बाद इस व्यवस्था पर क्या फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।